हेलो दोस्तों, आज फिर आपका एक और बार स्वागत है प्रीमिक्स में। एंड ये प्रीमिक्स का 47 हमारा आज सेशन है। इसमें हम अगेन 5 क्वेश्चंस हैं, थोड़ा रिलेटिवली ज़्यादा करंट अफेयर्स हैं और करंट अफेयर्स भी ज़्यादा थोड़े करंट हैं, ठीक है, जो आजकल के जो हुए हैं बिल्कुल आसपास उसके बारे में बात करेंगे। जो कुछ रिपोर्ट्स आई हैं उसमें से कुछ हमने निकाला है सामान, ठीक है दोस्तों। तो शुरू करते हैं डायरेक्टली। तो अपना जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये है अबाउट इलेक्शन कमीशन। अभी आपको पता है इलेक्शन कमीशन काफ़ी न्यूज़ में है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को लेके एट्सेट्रा। तो उससे जुड़ा हुआ एक स्टैटिक सवाल है आपके लिए। यहाँ पर जो सवाल क्या है कि आपको यहाँ पे स्टेटमेंट्स आपने बताना कौन से सही हैं। पहला कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्टैचुटरी बॉडी है इस्टेब्लिश बाय इंडियन पार्लियामेंट, ठीक है। दूसरा, जो मेंबर्स हैं ECI के और वो 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं या फिर 65 ईयर्स, जो पहले हो जाएगा ठीक है तो उसके बाद रिटायर हो जाएंगे, 5 साल या 65 ईयर्स। दूसरा कि कॉन्स्टिट्यूशन ने टर्म्स एंड कंडीशंस बताई हैं फॉर द ऑफिस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, कि कॉन्स्टिट्यूशन में सर्विस एंड कंडीशंस एंड टेन्योर के बारे में बात की गई है। तो ये 3 यहाँ पे स्टेटमेंट्स आपने बतानी है कौन सी सही है, कि 1 only, 1 and 2 only सभी सही हैं या कोई भी सही नहीं है। तो इसके बारे में आप बात करो। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट जो बातें प्लीज जो ध्यान रखना आप, कि स्टैचुटरी बॉडी, ठीक है, स्टैचुटरी है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आपने देखना है। देन उसके बाद कि यहाँ पे ये 5 years 65 years क्या ये सही है, एंड देन कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे सर्विस कंडीशंस एंड टेन्योर के बारे में बात की गई है, ठीक है। ये आपने 3 चीजें ध्यान रखना, इसके बाद ही आंसर मार्क करना। एंड करेक्ट आंसर इज None of these, कुछ भी इसमें सही नहीं है। लक्ष्मीकांत में क्लियरली मेंशन है सब कुछ ये वाला, जाके उसको रीड करो चैप्टर को, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, UPSC प्रीलिम्स में बहुत बार पूछ चुका है। स्टैचुटरी नहीं है, ECI तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। कौन सा आर्टिकल है प्लीज मुझे बताओ यहाँ पे पढ़ के लक्ष्मीकांत में। एंड देन मेंबर्स जो है ECI की 5 साल नहीं 6 साल के लिए रखते हैं, 5 years गलत है, 6 years, ये पहले भी हम आपको पॉइंट आउट कर चुके हैं, ये बात भूलना मत, क्योंकि ऑप्शन में लग के आते लगता है मार्क कर दो, ठीक है। एंड देन कॉन्स्टिट्यूशन सर्विस कंडीशंस टेन्योर प्रोवाइड नहीं करता, कॉन्स्टिट्यूशन CEC इलेक्शन कमीशन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करता है कि पार्लियामेंट बना सकती है, तो पार्लियामेंट उस पर लॉ बना के आगे सर्विस कंडीशंस वगैरह डिसाइड करती है, ठीक है। सर्विस कंडीशंस क्या रहेंगी, किस क्या क्या उस जिसके जो सिविल सर्विसेज जो सिविल सर्वेंट होते हैं उनकी सर्विस कंडीशंस होती हैं वो पार्लियामेंट डिसाइड करती है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है दोस्तों। तीनों गलत है, जबकि तीनों बहुत ही लगते हैं कि हो सकता है कि तीनों ही करेक्ट हो। ओके, तो अगला एक जो क्वेश्चन बिल्कुल ही लेटेस्ट है, ये अभी न्यूज में चल रहा था, ये था अबाउट वेबसाइट एक्सेसिबिलिटी प्रोजेक्ट। आपने बताना है कि इसके रिस्पेक्ट में कौन सी स्टेटमेंट सही है। वेबसाइट एक्सेसिबिलिटी प्रोजेक्ट चल रहा है, तो ये एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन का पार्ट है। देन इसमें 100 वेबसाइट्स जो कि वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स या UTs के अंडर आती हैं उनको एक्सेसिबल बनाया जाएगा टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, PWDs बोलते हैं। एंड तीसरा कि ये इसको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MeIT इसको इम्प्लीमेंट करेगी, ठीक है, इसको इसके अंडर है ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, ये 3 हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं, आपने बताना है कौन सी सही है, 1, 2 only, 2 only, all या none, ठीक। थोड़ा सा ये करंट अफेयर जुड़ा सवाल है, पेपर में UPSC में से बहुत सवाल आपको दिखेंगे और थोड़े मेरे हिसाब से टफ होते हैं ये, कंसिस्टेंट रेगुलर मेहनत करनी पड़ती है, बार बार पिन पॉइंट कराया जाएगा तो ही याद होते हैं ये। तो देखते हैं कितना आपने अखबार में पढ़ा था, रिकॉल कर सकते हो। एंड इसका आंसर इज ऑल आर करेक्ट, एक्सेसिबल इंडिया, ये डिसेबल या फिर जो दिव्यांगजन कहा जाता है तो उनके लिए, पीपल विद डिसेबिलिटीज, उनके लिए एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन चल रहा है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। अब उसमें वेबसाइट एक्सेसिबिलिटी प्रोजेक्ट भी ऐड हो गया है, 100 वेबसाइट्स हैं इसको ऐड करके और बढ़ा दिया गया है, परसों की जो न्यूज़ थी उसमें जो PWD हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज उनके लिए वेबसाइट्स काफ़ी यूजर फ्रेंडली बनाई गई हैं, कि जो जिनको जैसे लेट्स से कि अगर कोई जैसे दिखता कम है एटसेट्रा तो कैसे वो बेटर एक्सेसिबल कर सकते हैं साइट को, कैसे जाके साइट को देख सकते हैं उसके बारे में बात हुई है। एंड इसको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT वाली मिनिस्ट्री नहीं कर रही, इसको मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस कर रही है, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है उसके अंडर आता है ये। तो ये तो बहुत ही एक ईजी ट्रैप था जिसमें बहुत लोगों का आंसर गलत होने के चांस हैं, तो ये गलत मत करना, ठीक है दोस्तों। ओके, अगला सवाल करते हैं।
ये है, आपने बताना है विद रिस्पेक्ट टू भारत स्टेज नॉर्म्स। भारत स्टेज नॉर्म्स के तहत इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहला कि गवर्नमेंट ने भारत स्टेज जो था, अभी BS4 चल रहा है, तो BS4 को स्किप करके BS6 आने की बात की है अप्रैल 2022 तक। दूसरा कि BS6 जब इंडिया कर लेगा, भारत स्टेज 6 कर लेगा, तो इंडिया US जापान एंड EU के साथ बिल्कुल पैरेलल आके खड़ा होगा, क्योंकि इनमें हो चुका है वो। ठीक है, आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है, 1, 2, बोथ या नन ऑफ दीज। ठीक है, दोबारा पॉज करके पढ़ो, स्टेटमेंट में छोटे छोटे ट्रैप होते हैं, वो ट्रैप्स को पकड़ो, अदरवाइज अपना आंसर सिंपल मार्क करो। एंड करेक्ट आंसर इज 2 ओनली। 2022 का टारगेट गलत है, 2022 में नहीं है, 2000 कितने में किया आप मुझे प्लीज ऑप्शन में बताओ। तभी इसके मैंने आपको पहले भी ये सवाल पूछ चुका हूँ और रिपीट किया है हमने कि कितने लोगों ने अभी गलत किया होगा। तो दे शुड ऑलवेज रिमेंबर कि रिवाइज करना बहुत जरूरी है, रिवाइज किए बिना कुछ नहीं याद रहेगा। एंड उसके बाद अभी न्यूज क्या थी कि मर्सिडीज बेंज पहली ऐसी कंपनी बन गई है जिसने भारत 6 इंप्लीमेंट भी कर दिया है अपनी गाड़ियों में। ओके दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये है अबाउट FDI कि FDI की रिगार्डिंग अभी एक RBI ने रिपोर्ट रिलीज करी है, तो उस पर हमने बेस कुछ क्वेश्चंस बनाए। तो ये पहला है कि मॉरिशस, सिंगापुर एंड USA रिस्पेक्टिवली लार्जेस्ट सोर्स रहे FDI का 2016-17 में। एक साल के डिले से रिपोर्ट आती है ये, तो जैसे अभी 17-18 चल रहा है, तो 16-17 में मॉरिशस 1, सिंगापुर 2 एंड USA 3rd लार्जेस्ट सोर्स थे FDI के। एंड देन सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा, मतलब ऑलमोस्ट आधी FDI आई। ठीक है, ये एक दूसरा हमारे पास डेटा है, आपने बताना है कौन सी ऑप्शन सही है, 1, 2, बोथ या नन। ठीक है, ये वाला ऑर्डर सही है, एंड देन सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा FDI आई। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे सोचो, अगर आपने न्यूज पढ़ी है, आज की ही न्यूज में है ये, तो आप इसको ढंग से मार्क कर पाओगे, RBI की रिपोर्ट है ये। एंड इट इज नन ऑफ दीज, ये ऑर्डर रिवर्स कर दिया ताकि आपको रिटेन रहे, क्योंकि जब छोटी छोटी गलतियां ऐसी वाली गलतियां होती है तो याद रहता है। मॉरिशियस इज फर्स्ट, सेकेंड इज USA, थर्ड इज सिंगापुर। सिंगापुर थर्ड पर चला गया, USA हैज बिकम सेकेंड लार्जेस्ट FDI कॉन्ट्रीब्यूटर इन इंडिया। एंड सर्विस सेक्टर नहीं है थोड़ा सा, क्योंकि लगता है इंडिया में हर चीज सर्विस सेक्टर जुड़ी हुई है, नहीं, मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज्यादा FDI आई इंडिया में, ऑलमोस्ट आधी FDI इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग में ही आई। ठीक है दोस्तों, तो ये दो स्टेटमेंट्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आउटकम्स है हमारी उसके रिपोर्ट के। एंड देन हमारा आज का आखिरी सवाल ये है, कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। पहला कि भारत सरकार ने 2018 को नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित कर दिया है, कि क्या मिलेट्स ही हैं या कोई और है। दूसरा, मिलेट्स जो होती हैं वो न्यूट्रिशनली सुपीरियर होती हैं वीट एंड राइस से, क्योंकि इनमें ज़्यादा प्रोटीन होता है, ज़्यादा इसमें अमीनो एसिड प्रोफाइल बेटर है, क्रूड फाइबर ज़्यादा है, मिनरल ज़्यादा है, इसलिए मिलेट्स बेटर मानी गई वीट राइस से, क्या ये बात सही है। एंड मिलेट्स हार्श इन्वायरमेंट जैसे सेमी एरिड, जहाँ पे थोड़ा डेजर्ट एग्जिस्ट करता है, वहाँ के लिए बेटर अडाप्टेड है, उनके लिए बेटर सूटेड है। आपने बताना है तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। जो नेशनल ईयर होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे एक बार नेशनल ईयर ऑफ मैथमेटिक्स घोषित हुआ था तो उस साल सवाल आया था कि मैथमेटिक्स के नाम की एक मूवी रिलीज हुई थी, तो उसका आप पूछा गया था कि उसके शायद वो उस किस साइंटिस्ट पे बेस्ड है, वो रामानुजम पे बेस्ड थी वो, क्योंकि नेशनल ईयर ऑफ मैथमेटिक्स है, तो लोग बहुत ही कह रहे थे ये कहाँ से पूछ लिया, कि मूवीज का नाम पूछना शुरू कर दिया। तो इसलिए जब नेशनल ईयर घोषित होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपने बताना है कि क्या ये मिलेट्स का ही साल है हमारा आज का जो चल रहा है 2018। तो अपने ऑप्शन हैं 2 ओनली, 1 एंड 3 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, या सभी सही हैं। पॉज करो, सोचो, न्यूज आ रही है रेगुलरली, तो उससे अपना कुछ आंसर निकालने की ट्राई करो। एंड करेक्ट आंसर इज सभी सही हैं, मिलेट्स का साल है, दैट इज ट्रू। मिलेट्स प्रोटीन, अमीनो एसिड प्रोफाइल, क्रूड फाइबर, मिनरल्स में ज्यादा है वीट एंड राइस से, एंड सेमी एरिड जो ट्रॉपिकल एरियाज है वहां पे मिलेट्स बेटर अच्छा उग सकती है, ज्यादा अडाप्टेड है। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही थी। तो ये था आज का हमारा प्रीमिक्स, और बस मेहनत करते रहो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर जितने भी आने वाले दिन है उसमें और मेहनत करेंगे, आने वाले जितने हमारे टेस्ट है उसमें और मेहनत करेंगे, एंड आने वाले क्वेश्चन से जितना, जैसे आप छोटी छोटी गलतियां करते हो सीखते हो, जैसे आज का सर्विस सेक्टर वाला था कि सर्विस सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग में आया, जब आप गलत करोगे तो यू लर्न मोर। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जितनी गलतियां करनी है अभी यही करो, ठीक है, जो रणभूमि में जाएंगे जब वहां पे युद्ध होगा तो युद्ध में गलतियां नहीं करनी, वहां पर विजयी वापस आना है। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।